सूबे महाराष्ट्र की हिफाजत फरमा, सूबे महाराष्ट्र में आपस में मोहब्बत अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा। अब उद्धव ठाकरे के लिए कुरान खानी हो रही है। शिवसेना के मुस्लिम शाखा के प्रमुख ने कुरान खानी का आयोजन किया है उद्धव ठाकरे के लिए, सरकार को बचाने के लिए। जो एमएलए चले गए हैं उनको वापस बुलाने के लिए और खैरियत से सरकार के 5 साल गुजारने के लिए। देखिए जरा विजुअल। सूबे महाराष्ट्र की हिफाजत फरमा, सूबे महाराष्ट्र में आपस में मोहब्बत अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा। मौला तो ये कुरान खानी की तस्वीरें हैं जो अभी आपने देखी हैं, जिसमें कुछ मुसलमान बैठे हुए हैं टोपी लगाए हुए और कुरान पढ़ रहे हैं, और उसके बाद बाकायदा तौर पर दुआ भी कराई गई है। ये दुआ शिवसेना के जो प्रमुख हैं मुस्लिम शाखा के, उन्होंने दुआ कराई है और उसमें कहा गया है कि जो लोग चले गए हैं वो खैरियत से वापस आ जाएं, और उसी के साथ साथ 5 साल मौजूदा जो सरकार है उद्धव ठाकरे की, वो खैरियत से अपने 5 साल गुजारे। ऐसी दुआ कुरान खानी के जरिए मुस्लिम शाखा के प्रमुख शिवसेना के करा रहे हैं। और सबसे पहले उनका बयान भी सुन लीजिए कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। कुरान खानी इस वजह से रखी थी, जो महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार 5 साल पूरा करे, और जो लोग सरकार को गिराने की सोच रहे या जो हमारी पार्टी छोड़ के गए उनको अल्लाह सही समझ दे, सदबुद्धि दे और वो वापस आ जाए, और या फिर अल्लाह उन लोगों से ही समझ दे कि जिस सरकार जो चल रही है वो पूरी 5 साल पूरा करे। तो जो कुछ इस वक्त उथल पुथल उद्धव सरकार में चल रही है, एमएलए का किस तरह से जाना हो, या उसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे के साथ तमाम एमएलए ने मिलकर जिस तरह से ये बगावत की है और बागी कहलाए गए हैं, फिर उद्धव ठाकरे सरकार ने इस पूरे मामले में विधायकों को नोटिस भेजा, और इस पूरे मामले में किस तरह से अब गर्माहट लगातार बढ़ती ही जा रही है, पूरा मामला तेजी से गर्मा रहा है। तो उसी बीच ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुरान खानी की गई है और कुरान खानी के जरिए उद्धव सरकार को बचाने, 5 साल पूरे करने, और जो विधायक चले गए हैं उनके खैरियत से वापस लौट आने की दुआ शिवसेना के जो मुस्लिम शाखा के प्रमुख हैं उनके जरिए कराई गई है।